ये देखो भाई, आज आपको दिखाएंगे मोटर की फिटिंग यहाँ इस रस्सा तरीके से पड़ा की है क्या? जाती देखो है। कल वाला रस्सा ये पड़ा है अभी खेमलाल? आग से इसको गर्म किया जा रहा है वही है ना पाइप बस। सब को, ठीक है। और अभी वही इसको ये जो इसके अंदर इसको डाला जाएगा। ये पंखा है समरसिबल मोटर का। करो करो करो, जल्दी जल्दी करो भाई। ले बस गुब्बारे कर दे शुरुआत। ये भाई निशान लगा दिया अंकल जी। इसका सीध में है या तरिया रही है आगे? इसकी सीध में, इसकी सीध में यार। इसके खुरचले उड़ रहे थे। चूड़ी चढ़ाऊंगा ना। अच्छा ये पार्ट अलग है भाई इसका। और इस हाँ ना 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 कोई बात को नहीं, ठीक है। ये इसका मैं ना थोड़ी गला ठुक जाएगा। और तो नू ठोकना था तो नू कौन ठुके हो? पता लग जाए, लग जाएगा। ये वही गर्म करके ही लगाया जाएगा, ये ऐसे लगेगा नहीं। ना ना अंकल घना गर्म करोगे पहले बार बाट लो ना, सही हो रही तो घना गर्म करोगे फिर बड़ा नहीं आयो। ठंडा हो गया हाँ, थोड़ा हाथ लगाना ही पड़ेगा। अंकल जी घुमाए जाओ, आप घुमाए जाओ। वो देख सही हो गया। सुगु सही पकड़ ले, घुमा घुमा के जाओगे भीतर भाई। अंकल जी टेढ़ा ना करो, पाइप थोड़ा हो जाएगा एक पास। देख नीचे तो थोड़ा हो गया, देख आम तोरी तो 10 रुपये किलो बिका। हाँ आम तोरी 10 रुपये बिका अपनी, फिर भी ठीक है। हटा ले, ये देखो भाई यार निशान लगाया था इसकी सीध में है वो। बस सही है अंकल जी, मारो पूरा मोरा लिखड़ा भाई। ये देखो भाई मोरा लिखड़ी यार, नट लगाएंगे और फिर ये पक्का काम हो जाएगा। परली साइड तो कड़ा होती 3 इंच की है यार। ये नट बांट दो अंकल जी, बुरा भाई सीधा नट बांट दो। थोड़ी सी इधर 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 और इधर और इधर। हाँ ये देख ले भाई, हो गया है काम। आ गया ना ना कोरिया, मारो खैच का मारो। ये लिकड़ आया भाई नीचे, अरे इसमें नट लगा। ये 4 सूत का नट है भाई, दोनों साइड वर्ष लगा के लगेगा। चार सूत का गले को नहीं गले का सुराख बन देखे था उड़े। नहीं गले का कौन ही गले? अरे गले का यार, इनका काम के अंकल और का। और सब दिन सूता का हिसाब देखा ये। ये देखो भाई नट नीचे लिकड़ा का भी हो नहीं जी। हाँ आ भाई आ गया नीचे। 4 सूत का पक्का काम हो गया भाई। सुगु सेठ किराना आरी के साथ काटो भाई ने खेमलाल। लो अंकल जी लगाओ वार्सल, हो चुका है काम पूरा। वही पाइप की फिटिंग बढ़िया तरीके से नहीं करोगे तो मोटर आपकी नीचे जा सके। ये भी पक्का काम हो गया। ये नट जरूरी है, सबसे मोटा नट लगाओ यहाँ पर। सुराख अगर होल कम है तो उसका पूरा कर लो, उसके बाद। क्या नंबर की चाबी लागी अंकल जी? 21 नंबर। 21 नंबर की चाबी लागेगी भाई इसके। हाँ खचो खचो वो लिकड़ा लाग रहा, जावा नूने और जाओगा। ये ढिली वर्सल ढिली है ये। बस ये पाइप की फिटिंग बढ़िया तरीके से हो चुकी है। बस मोटर कितने पंखा की मोटर अंकल? 5 पंखे के इसमें मोटर में, 5 पंखे। 4 उससे खींचते थे ये मोटर के अंदर, 4 पंखे हैं भाई।
जो भाई अब इसके अंदर चढ़ाया जाएगा पानी। ये चूड़ी है इसके अंदर बढ़िया वाली चूड़ी, खेमलाल खेमलाल चूड़ी टेडी होगी, टेडी टेडी चूड़ी होगी, टेडी होगी अंकल जी। हाँ ये सीधी है पूरा चढ़ा, जल्दी घुमा दे घुमा दे, पीछे से पकड़ लेते, पीछे से पकड़, पीछे से। हाँ ये भाई चूड़ी अगर टेडी हो जाएगी ना तो मोटर चढ़ेगी नहीं, ये ध्यान रखना आपने भी। अब चूड़ी बिल्कुल सीधी है और बिल्कुल आराम आराम से ये चूड़ियों के अंदर जा रही है। ये देखो भाई अगर चूड़ी टेढ़ी होगी तो इतनी फास्ट तरीके से नहीं घूमेगी। बतावांगे अंकल जी आ जाओ। ये भाई पूरी 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 टाइट हो गई है भैया। ले भाई लास्ट राउंड था ये, क्या इसका पन्ना ही फंसा हो गया क्या कहते? हेलो हाँ जी लाओ जी राम राम जी। ये पेचकस से अब थोड़ा सा इसको घुमाया जाएगा। ये देखो दोनों तरफ से जोर लगाया गया है। ये भाई थ्री फेस की मोटर है और ये तीन इंची ढाई इंची प्रेशर का पानी उठाएगी। ये इसको क्या बोलते हैं अंकल जी, इसको क्या बोलते हैं? ये कार्टर है, कपलिंग 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 कपलिंग, ये कपलिंग है। और इसके अंदर भी ऐसे ही एक झीरी मिलेगी नीचे। ये देखो भाई ये गाटर पिन डालनी होती है ज़रूरी, ताकि ये मोटर चक्कर मनाने में इसको कोई प्रॉब्लम ना आए। खेमलाल घुमा मोटर घुमा, घूमगी। इनकी दोनों की ये वाली लाइन मिलानी ज़रूरी होती है भाई। ये देखते हैं ये गाटर पिन इसके अंदर गई। अंकल इसका मैं बाढ़ करी फिर इसमें बाढ़ाएंगे पा है। ये बात रहे ये भाई वार्सल है मोटर की, ये स्टील के नट लगेंगे इसके ऊपर तो इसके अंदर जंग नहीं खाएगा ये। और ये भी इसकी स्टील की होती है अंकल जी, स्टील की होती है, इसके ऊपर भी जंग नहीं लगेगा। ये गाटर पिन आगे भी है और इसको पूरी इस तरीके से सेटिंग की जाएगी। अंकल जी कुछ परसेंट जाओगी उरन भी आओगी यार। हाँ ठीक है ना, ये भी इसने इसका हिसाब था। ये लो भाई ये बराबर से इसके अंदर जाएगी। उसको घुमाना पड़ेगा क्या पंखे को? कटर देख के तो भाई होती है भाई, तेल वाली भी होती है, होती है ये मोटर भाई। एक तो होती है ये समरसिबल पानी, बोला छोटी मोटर आती है, बड़ी मोटर नहीं आती सारी बात करता है। हाँ तो नहीं थी तेल वाली ये पानी वाली है, इसके अंदर पानी डलेगा, यहाँ से इसके अंदर पानी डाल के यो देखो फिर इसको की तार देखो। ले भाई अंकल यो लगाने लग रहा है स्टार्टर। ये देखो भाई आप ये देख सकते हो भाई, अंकल ने एक पोल के ऊपर डाट देंगे इसको। और अंकल जी ये क्या चीज़ होती है? ये ऑटोमेटिक भैया बोलते हैं जिसको। हाँ ये भैया है भाई, देख छोटा भैया है तुम्हारे, बड़ा भैया का बस की बात नहीं है, वो छोटा भैया काम करे। ये भाई एक बार इसका जुगाड़ बना रहे हैं लेकिन ये अभी यहाँ नहीं लगेगा इसके यहाँ पर। ये यहाँ इसके लिए स्पेशल एक एसी रूम बनवाया जाएगा जिसके अंदर इसको लगाया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर डस्ट जाएगी तो ये जल्दी ख़राब हो सकता है। और इसको ठंडा भी रखना होता है, इसके अंदर ऑयल डलता है, ये ऑयल वाला है अंकल जी, ये ऑयल वाला है। ये भाई फिट कर दी है। हाँ पानी तो भी गल जाएगा यहाँ से डलेगा भाई, इसके अंदर डिस्टिल वाटर डलता है जो कि सूखता नहीं है। डिस्टिल वाटर उसको बोलते हैं जो भाप से तैयार किया गया है ना, उस वाटर वो वाटर इसके अंदर डाला जाता है ताकि इसके अंदर काई वगैरह ना लगे और ये गर्म ना होए, उस वजह से ना।
तो अंकल वार्सल नहीं लगाओगे? वार्सल नट छोटा पड़ जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है ले आओ। तो भाई अभी इसके अंदर वार्सल की वैसे लोड नहीं पड़ी है, नट थोड़े से छोटे हैं। अगर ये जो अगर ये हम लेके आए हैं एक देसी मोटर बोलते हैं इसको हमारी भाषा में, अगर ओरिजिनल होती ना तो उसमें लगती वार्सल, ऐसा होता है अंकल जी, मानोगे इस बात ने? तो भाई अंकल जी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि वो मोटर होती हैं वो कंपनी नट देती है, थोड़े से लंबे देती है, थोड़े से लंबे होते हैं, उनके अंदर एक वार्सल वैसे ज़रूरी होती है क्योंकि बीच में गैपिंग ख़त्म हो जाती है उससे। ये तीन फेस में चलती है, थ्री फेस बोलते हैं इसको। ये मोटर के अंदर स्टील के नट इसलिए दिए जाते हैं ताकि इनके अंदर जंग वगैरह ना लगे। और नट तब कभी भी नट की खिंचाई करें तो पन्ना ले लें भाई, नट के जो छह भाग होते हैं और छह के छह अच्छी तरह से जकड़ लेता है पन्ना और उसके बाद खिंचाई करता है ताकि नट की जो ये कून होती है धार होती है ये जाए ना, तो आगे खोलने में कोई दिक्कत ना आए। ये मोटर की पूरी फिटिंग हो चुकी है और मोटर की लंबाई अब हो चुकी है बहुत ज़्यादा बड़ी। कै फुट की पाइप है अंकल? 40 की ये वाली? हाँ 42 फुट की पाइप होगी भाई, और करीबन 4 फुट की हमारी मोटर होगी, 45 फुट की लंबाई होगी है। तो भाई जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर करते रहो मेरे जितने भी साथी देख रहे हैं, मोटर को ऐसे फिट करना है। मेरा अंकल करा कनेक्शन नहीं। तो अंकल जी इसके अंदर कितने एमएम की तार, कितने एमएम की तार लगती है? हाँ करियो देखो, ये गैप होता भाई यहाँ पर, और ये देखो कपलिंग डली थी ना वहाँ, ये गैप अगर नहीं होया तो मोटर जाम होने के आपके पूरे चांस रहेंगे। ये देखो गैपिंग, ये कम से कम भी ये मैं बताऊँ तो आपको ये 10 से 12 mm की गैपिंग है, इतनी तो 15 mm के आसपास में होगी, 15 mm की गैपिंग है। ये गैपिंग आपकी ज़रूरी होनी चाहिए, 10 से 15 mm की गैपिंग है ये, तो ये चेक जरूर कर ले साथी। पेचकस लगाओ। हाँ पेचकस लगा के और आगे सरकाओ और पीछे सरकाओ एक बार। ये देखो भाई ये गैपिंग है 15 mm की, 10 से 15 mm आइडिया है, अभी वर्नियर नहीं है तो आपको नाप के दिखा देते हैं हम लोग। तो भाई जल्दी जल्दी से शेयर कर दो, अभी आपको दिखाएं भाई अंकल जी गाठ मारेंगे यहाँ पर, जुलाया गाठ लगेगी ना, जुलाया गाठ लगेगी अंकल जी मारेंगे यार, आप देखना तार की जुलाया गाठ। और तार की अगर मोटाई की बात करूँ तो अंकल जी कितने इस सूत का हुआ है मान ले आइडिया? 4 सूत का ये 4 सूत का तार है, तार की जुलाई गाठ लगाएंगे अब अंकल जी। ये देख सकते हो भाई, ये पकड़ लिया और ये घुमा दिया, अरे हाथ लगवा ये लग गई भाई जुलाया गाठ, इसको बोलते हैं जुलाया गाठ। और सरकाओ अंकल जी, इसको जुलाया गाठ बोलते हैं, ये ज़रूरी है भाई, ये हमारी मोटर की मेन सेफ्टी के लिए होती है ये चीज़। ये भाई एक बार इतनी पैसे ला के देख ला मिस्त्री। हाँ ये फालतू जोड़ा क्या चीज, वो आगे वाली पाइप ना उड़े लगेगा वो आ गया ना, घुमक आया तो पंखा है उरा, यो तो जुड़ गई भैया उरा के लिगड़े गए, कोनी लिगड़े कोनी फिसला भाई, वही रंदो का 3 सूत का है, नट 4 सूत का नट है। एक और जोड़ ये देखो भाई, यहाँ पर इसको फिर जुलाया गाठ से बांध दिया जाएगा, ये रस्सी के साथ में गाठ मार रहे हैं क्योंकि ये हिलेगी नहीं बिल्कुल भी, वो दूसरी तार थी वह गोड़। ये देखो भाई ये काम हो चुका है पक्का। ये अंकल जी ऊपर लेता लो घुमांदे ऊपर लेता लो, ये यहाँ से डाला जाएगा, देखो इसमें डल रहा है पानी, डाल रहा है पानी। लखा जमीन बांध गए इधर है क्या? हाँ
जाओ का गल तो काकी में गल 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 ये देखो जान लग रहा आराम आराम से जाएगा। हाँ हाँ डाले डाले जाओ देखो जान लग रहा ये भाई इस तरीके से पानी पानी इसका डाला जाएगा इसके अंदर। ये हमने पकड़ ली है कंटिन्यू चलते रहो ये पानी वो पानी है भाई जिससे भाप बनती है ना जो इन्वर्टर बैटरी के अंदर डलता है डिस्टिल वाटर बोलते हैं इसको। इसके अंदर काई वगैरह नहीं लगती वैसे इसके अंदर 9.5 PH का पानी डलना चाहिए लेकिन डिस्टिल वाटर भी वैसे ही काम करेगा इसके अंदर। इसके अंदर करीबन 2 लीटर के आसपास में पानी आने की संभावना है। अंकल जी पहले तो देखो ना लिया करूँ पानी डाल दिया फिर आज ही वो मुहूर्त भी कर दिया पानी का लड़का आगे बता दिया किसी की मोटर में के बरातरी मोटर का पानी सामड़ रहा हो को नहीं बता तो सका है नुको यार तन्ने कुकर वगैरह लागे आ रही इतनी दूर नीचे है पानी में तो वह है नुका है तो ये भाई पानी जरूरी है। एक मोटर तेल की आती है एक पानी की आती है जो छोटी वाली घरों पे लगती है ना उसमें तेल आता है पानी भी आता है। ज़्यादा चलती है उसके अंदर पानी डालो कम चलती है उसके अंदर तेल डालो। दोनों नट खोल रखे ना अंकल जी अपने ने दियो गद्दा एक में दूसरा में नीचे गया पानी खड़ी करनी पड़ेगी खड़ी करना सारे फिटिंग ये देखो भाई अंकल जी तार छोलते हैं मोटर की इस तरीके से और प्रसाद भी बांट दे भाई भी पे जा रहे है किते इसने ये देखो भाई ये देखो इतने दूर दूर के तार छोलने होते हैं कितनी देर लगे ये देखो भाई किसका दिया अंकल ये पानी डाल के नट टाइट कर दिया जाएगा लेखम लाल ये दो नट है भाई यहाँ पर पानी सामड़ जाए मोटर में तो पानी गाल दे और अगर 2 लीटर पानी गाल लोगे तो घना लीटर पानी देगी फिर ये भाई अंकल जी ना ये देखो तार इतनी जोर तक खींच दी है ढीली नहीं हो सकती अब इसके ऊपर करेंगे ये प्लास्टर टेप दियो आपको दी तो थी ये देखो भाई अभी इसकी जो मोठ में मिस्त्री हैं बेरे कह रुपए में बुश बदल दे 700 रुपए में अच्छा हाँ होगा और केव खुलाएगा भाई वहाँ पे ना वहाँ पे मिस्त्री तुम पंखा ले आइयो 700 रुपए लगेंगे उरा बस वो भैया वहाँ बताऊँ क्या चक्कर है वहाँ का लफड़ा ये है कि वहाँ पे सभी समरसीबल है और समरसीबल के स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पे ऐसे नहीं है यहाँ पे जो आता वही फंसता है उसी को देख लेते हैं सब मैटर ठीक है ना ये भाई हो चुकी है टेपिंग बढ़िया तरीके से 2000 रुपये ये देखो भाई इस तरीके से भाई इस तरीके से खींच दो वही तार ने टेप इस तरीके से लगाओ भाई अगर कोई अपना घर जिस तरह देसी जुगाड़ चाहो है तो इस तरह टेप होनी चाहिए टेप में बिल्कुल भी गैप नहीं बरतनी भाई और गैपिंग भी नहीं होनी चाहिए गैपिंग हुई तो फॉल्ट होगा पक्का। तो ये खींच गई भाई टेप अपनी वैसे अंकल जी आए मार दिया ना 2-3 बार अब लीक हो जाती है लाला ये कौन सी जगह पर हो अंकल जी ये एक सुराख हो है अच्छा इस वायर का ये भाई इसमें ना जहाँ वायर का सुराख होता है ना वहाँ पर ये एम सील भरी जाती है दो आती हैं ये एक ब्लैक और ब्लैक सफ़ेद दो कलर की आती है वो एम सील ज़रूर भरनी होती है ताकि तार वाले जो मोटर के अंदर पानी ना जाए बिल्कुल भी मोटर के अंदर पानी नहीं जाना ये ध्यान रखना ये छोटी छोटी बातें होती है ना ये अगर बंदा भूल जाता तो उसको बाद में बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है।
इसको यहाँ से काटो भाई। हाँ काट काट काट, एक लाइन तो मारे। दोबारा घुमा देंगे जिले थोड़ी खोल के। किसने घुमाऊ? जीरी को मिला यार। क्या है जीरी? वायर की जीरी पाओगे इसकी। पकड़ 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 पकड़। ये देखो इस तरीके से इस टेप को काट के, ये टेप ज़रूरी लगानी होती है। अगर ये टेप नहीं लगाते आप तो तार आपके सड़ सकते हैं। ये अंकल जी शॉर्ट हो जाएगी तार, ठीक रहूँगा। ये बीच में तो काट ले, बीच में तो काट ले भाई वो। अरे बीच में तो काटता है यार, ये न बनेगी नहीं। अरे बनेगी, बीच में तो काट ले। खराब और महंगा मंदिर रहता है। चलो देखो जाएगी काट ले। कौन से दुकान से लिया थे ये? यार उसी से लिया है। छोड़ी कर रहा कहाँ मर जिन से? नहीं ये सिवाच वाला है, उससे सूंडिया सांडिया लाए थे ना जिससे, उससे पूछा हमने, वो टेप है बोला है। मतलब 50 एकड़ वही दे रहे भाई, दे दी उसने। बस 3 हो गई अंकल जी। साढ़े 3 हो गई, कट रहा है। बेकार है क्या? बेकार नहीं है भाई साहब, ये ले आओ ना कभी भी तो सीधी रखो। तो मतलब उसमें पॉलिथीन में बोझ के डर दी हमने, हमने ज्ञान कौन था भाई इसका। तो भाई आगे देख सकते हो भाई, आगे ज्ञान की बात है ये आपके लिए भी। ये टेप ना कभी भी बोझना मत, आप इसको सीधी रख के लेके आनी होती है ताकि मिस्त्री को ज़्यादा दिक्कत ना आए। ले ओए ये देखो भाई, ये अब मारी जाएगी टेप। ये वो टेप है जो कि अगर एक बार गर्म हो जाती है तो ये मान के चलो तार पे पक्का प्लास्टर हो जाता है। इसको भी प्लास्टर ही बोलते हैं अगर एक उस भाषा में बात करें तो, इसको प्लास्टर ही बोला जाएगा। चल जाएगा अंकल जी। अरे अभी तो इसको ऊपर करूँगा यार, अभी तो बहुत काम है इसका। लूना सोचे तो बस लू छोटे का ताड़ा, नहीं इसके में पानी बढ़ जाएगा, केवल पूरी खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं भाई, पानी से कुछ पतली चीज़ को नहीं। देखो प्लास्टर इस तरीके से होता है। अंकल जी ने बढ़िया प्लास्टर कर दिया इसके। अब तीसरी तार का प्लास्टर स्टार्ट हो चुका है। इस तार को एक तार बनाया जाएगा, तीनों तारों को जोड़ के एक तार बना दिए ये। ये इसको पूरा बंद कर दिया गया है यहाँ तक। बढ़ गई इसको, मैं मिल गई के बढ़ गई। या लगा या लगा या सिंगल है वार्सल को थोड़ा छोटा वार्सल छोटा रहेगा। ये इसके ऊपर से फिर प्लास्टर लगाया जाएगा भाई, ताकि गर्म होने के बाद ये इसका रेशियो मिल जाए। ये तोरी मंदी भी क्या है, क्या मंदी होगी? ये भाई देखो ले भैया, तार हो चुकी है। ओके होगी ना? ओके होगी। ले ब्रो मरवा ले भाई, देख जब तक पूरी तसली ना बैठे जब तक मजे को नहीं। अब इसके ऊपर से ये प्लेन टेप हो रहा है। अंकल भाई पूरे स्वाद ले भाई, टेप मार देनी है। टेप तो खुल जाएगी ना ना, कोई दिक्कत हो टेप मारते हैं जी। वो तो एक बस सीधी खींचने वास्ते हो, वैसे कोई कुछ को नहीं। बतेरा लूज बोर है इसमें तो कोई चक्कर को नहीं। ये देखो भाई, ले भाई वो देखो इसकी लंबाई नाप लेना। अच्छा कितनी है फिर वो सी खोला वहाँ खोल मारते। ये देखो भाई मोटर के ऊपर यहाँ एमसील लगाई और इसकी लाइन में जो तार है ये है यहाँ तक जाएगा। इसकी लाइन में ये देखो खाचा दे रखा है कंपनी द्वारा,
इसके अंदर अंदर से ये जाएगी। ये चीज़ें आपने ज़रूरी देखनी है, एम सील ज़रूर लगा के इसको साथ साथ में ऐसे भर देना है। ये टेप को यहाँ लगा के इसको बांध दिया जाएगा। ले भैया, अब ये बोरी को काट दिया जाएगा और हमारा ये है सीमेंट का बोर मनवाया गया है ये, और इसके साथ में हमने बदरी डलवाई है और 10 इंची का ये बोर है। और भाई अभी इसको कटिंग करके पानी दिखाएगा अंकल जी। हाँ भाई देखो भाई, आपको पानी दिखा देते हैं। देखो भाई पानी, ये यहाँ से 20 फुट नीचे है पानी। ये देखो पानी आपको दिखा दिया जाएगा। अरे दिखने लग रहा भाई साहब, देख फोन में देखो यार, तम फोन में देखो ना पानी। अरे अरे फोन में पानी देखो, तम देखो ये भाई आपको 20 फुट नीचे पानी है। मैंने आपको रात को दिखा रहा हूँ, अभी आपका एक टाइम की बात करें तो रात के 8 बजे हैं शाम के, और 20 फुट नीचे का पानी आपको मैंने दिखाया है। सैमसंग अल्ट्रा है ये, इससे मैंने यहाँ पर जूमिंग करके आपको मैंने दिखाया पानी। ये देख सकते हो 20 फुट नीचे पानी, फ्लैश के साथ में दिखाते हैं आपको पानी। धूल उठ गया अंकल इसके अंदर, थोड़ा धूल अंदर आ दिखा है। दौरे तो सही दिखा है, हो गया तेरा। ये देखो साथियों, हमारा पाइप यहाँ पर छोटा पड़ गया था, तो हम इसलिए 5-7 फुट का टुकड़ा और जोड़ दें साथ में, तो इसलिए हमें थोड़ा सा विलंब लग रहा है। और वीडियो को भाई आप जितने भी साथी हैं ना, वीडियो को पूरा का पूरा शेयर करना। मैंने कोई स्टेप का लफड़ा नहीं किया है, और वीडियो आपको पूरी अंत तक देखनी है जब तक पानी ना चले हमारा। अभी यहाँ पर ज्वाइंट ठोका जाएगा, ज्वाइंट आपको दिखाएंगे। आग लगा के यहाँ पर थोड़ी सी आग जला के गर्म करके इसको, ये देखिए हमने इस पर पेट्रोल डाल दिया है। 2 मिनट लगेगा यार। बस बस अंकल जी बस, ये देखो भाई हमने आग जला दी है, अब इसको गर्म करने का कार्यक्रम से स्टार्ट हो गया है। जल्दी जल्दी खोलो भाई, खेमला इतनी देर ना करो। पहले अंकल जी अगर उसमें बढ़ लेने तो बढ़िया रहता। शिबू तो वो ताता हो गया, तो उसने बढ़वा। ये देखो भाई ये गर्म करने का काम चल रहे हैं। यहाँ पर ये देख सकते हो भाई, 2 बंदे यहाँ पर काम कर रहे हैं और जबरदस्त सारे लेबर है। ये मिस्त्री जी अपने अंकल जी ढाणी कुसाल से हैं, ये इंजन के एक्सपर्ट मिस्त्री हैं। ये आपको ना इंजन का दूर से देखते ही आपको ये बता सकते हैं कि इंजन के अंदर समस्या है क्या। ऐसे ऐसे मिस्त्री आपको बहुत ही कम ही मिलेंगे आपको, और इनके ऊपर भी एक वीडियो हम बनाएंगे जब ये किसी इंजन पे विजिट करने के लिए जाएंगे, तो इसकी एक वीडियो भी हम देंगे आपको। ये देखने से पहले ही आपको बता देंगे कि क्या समस्या है। ये देखो भाई बिल्कुल प्यार से चला गया है अंदर, ये गया भाई फिट हो चुका है बिल्कुल। बस छोड़ दो अंकल जी, छोड़ दो इसकी में ना करो, उसमें करो। लगा दे इसका उरा लगा। ये देखो भाई अभी ये प्लास्टिक का दूसरा ये देखो भाई, करो करो अंकल जी इसका नीचे मैं भाड़े रखो इसका। ये देखो भाई अंदर से पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा अभी ये, उसके बाद में इसको हम इसके अंदर डालने का काम करेंगे। ज्वाइंट का ये ज्वाइंट लगने का काम स्टार्ट है भाई, ये कभी आप और कुछ सोच लो, ये ज्वाइंट लगाएंगे हम पाइप से पाइप का। 2 प्लास्टिक के सूंडिए हैं, उनका ज्वाइंट करने का काम कार्यक्रम स्टार्ट है, और ये एक ज्वाइंट हो चुका है। और ये के यार केस जगह नहीं पकड़ने के लिए ना, एरा टेप लेफ्ट कैमरा सीधी करिए। ये भाई दोबारा से ये आ गया गर्म पाइप, और ये भी इधर अभी घुस जाएगा, बिल्कुल प्यार से घुसाएंगे इसको। ले 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 खेमलाल शिबू आगा, 5 मिनट लगे। ले इसने करिए थोड़ा सा हाथ से, जुड़े गया 5 मिनट लग गए। हां बढ़िया गया।
ये लो भाई, खींच 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 अंकल जी, घुमा के लो अंकल जी, आप घुमा के लो, घुमा के लो बिल्कुल। अरे घुमागा 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 अंकल जी, घुमागा घुमागा, ये घुमा दे, घुमा घुमा के लो। पिछड़ा पकड़ घूमन ना दे, मैं भी तो उसे एक हाथ लगा रहा हूँ भैया, पकड़ लीजिए सिरा, पकड़ लेना मैं गए बस। ये भाई ज्वाइंट हो चुका है, अब हमारा पाइप ये हो चुका है, 42 था और ये कितने फुट का, 10 का इधर से दे दो अंकल जी, ये कितने फुट का था वाइट वाला, ये 15 का, 15 फुट का ये और 42 का ये है, तो ये 57 फुट हो गया है हमारा, 54 फुट पे लास्ट स्टैंड है हमारा, वो जोड़ा जल्दी कर भाई। ये भाई यहाँ पर ज्वाइंट तैयार हो चुका है लग के, और अब ये 57 फुट की पाइप हो चुकी है, ये सूंडिया है जो जिसको इसके अंदर तार होते हैं, ये एक अलग तरीके का सूंडिया होता है, इसको कितना भी कितनी भी डिग्री पे आप इसको घुमा सकते हो, 90 डिग्री से घूम जाता है 90 डिग्री पे, तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है ये, समरसीबल पे बहुत ही बढ़िया काम हो, और जो ये नहर के अंदर सूंडिया गिरते हैं ना वहाँ पर भी ये बहुत अच्छी तरीके से पानी खींचने का काम कर लेता है। बस अंकल जी बस बस सीधा कर दिया, उन्हें हो गया। तो भाई इसके अंदर ये ज्वाइंट इसलिए लगाए गए, बीच में ज्वाइंट डाल दिया ग्रीन लीले कलर का हमने यहाँ पर, तो अभी ये बिल्कुल खींच के इसके अंदर ये 4 सूत के नट के ऊपर हमने इसके क्लैंप लगा के पूरा टाइट कर दिया है ये, तो अब इसको ये निकलेगा नहीं बिल्कुल भी। और जो हमारा वो सिस्टम है बड़े वाला, उसकी अगर बात करें तो वो 10-12 इंची का बोर, हमारा पक्का बोर है वो, उसके अंदर पानी इकट्ठा होता रहेगा। ये हमारा काम हो चुका है कंप्लीट, ये देख सकते हैं भाई, ये ज्वाइंट लग चुका है, बढ़िया बड़ा ज्वाइंट हो चुका है ये भाई। अब मोटर डालने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ये हमने मोटर डाल दी है इसके अंदर, ये देखो भाई ये मोटर चली गई है भाई इसके अंदर, क्या मोटर है, कड़े को नट है, ये भाई मोटर जाते हुए आपको दिखा रहे हैं, ये गई भाई मोटर इसके अंदर, साथ में तार भी जा रही है, साथ में अंकल ने सपोर्ट वायर पकड़ रखी है और खेमलाल दादा ने इस पाइप को पकड़ रखा पूरे तरीके से, और ये ले भाई ले भाई, जल्दी जल्दी से मोटर अंदर चली गई है, और अभी पानी पानी के अंदर टिकेगी तो बोल लगी ना अंकल, पानी जाली जाली ना, पानी में जा चुकी है ये, तो भाई जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो भाई, अभी पानी निकलेगा, गंगा जल यहाँ से निकलने वाला है। ये भाई मोटर पूरी की पूरी अंदर जा चुकी है ना अंकल जी, और रुके बार रुक जाओ, छोड़ दो जाओगे टिक्का के डाल दी, डाल दी तारा आराम से गई होगी, इच्छे हाँ ज्यादा बजाम तो साफ से तीस बस है, बस टिक्का उसमें है, ये रेत में एक बार ऊपर थोड़ी सी ऊपर उठाना पड़ेगा, और बस 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 थोड़ी और उठाओ भाई, बस 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 बाद में अपना हाथ में नीचा करनी तो यार, अरे यार इसका बांध दे यार, ओ यार काका इसका बांध दे, खंबे का बांध, खाते ले खाते ले खाते ले, किम्बा नू कुकर खा ले यार, कमाल कर, मैं खड़ा रू रहे, ये देखो भाई ले टेप मार इसके, ये भाई मिस्त्री जिन 30 ला गया ही, पानी पी रहे हैं,
यो खेमलाल गांव में खड़ा हो रहा, देख इसका गांव लागा पूरा। बस अंकल जी जरूरी है। ये पहले यहाँ पर तालाब खुदवाया गया था पानी के लिए, अब यहाँ पर ही पानी चलेगा भाई, अभी कुछ ही सेकंड में पानी चलने वाला है यहाँ पर। ले भाई अंकल ने वो काम कर दिया फ्यूज लगाने का, ये फ्यूज कर दिया बिल्कुल बढ़िया सेट, अब इनको लगा देंगे अंदर और फिर चलेगी हमारी पानी का पंप। दो ये तीन हो गया काम, ताला मार दो, यहाँ का कोई काम नहीं है। ये देखो भाई हम आ चुके हैं दोबारा ट्यूबवेल के पास, और ये देखिए इंडिकेशन यहाँ पर आ चुकी है कर दे, और ये भाई हमने चला दिया है। ना कौन आया भाई अंकल जी भी आवा है। ये देखो भाई पानी आ गया है, ये अंकल जी यहाँ पर बैठे हैं, ये देखो भाई पानी आ चुका है। तो भाई एक बार हम इसके चक्कर शायद चक्कर उल्टे हैं एक बार, तो ये चक्कर उल्टे हो गए भाई इसके मोटर के। कोई नहीं पानी इधर लग जाएगा पॉइंट फुल पॉइंट से, ना 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 एक बार पानी था पाइप में प्रेशर था होगा अपने के पता, एक मिनट फिर उल्टे घोट देंगे ना उठाओगे तुम। ये बिजली का काम चल रहा है भाई यहाँ पर, चक्कर उल्टे हो गए मोटर के, तो आपको ये बताएंगे कौन से दो तार चेंज किए जाते हैं यहाँ से अंकल जी। सही बात बिल्कुल बिल्कुल। तो तार कौन से चेंज करे जाए, येलो और ग्रीन, रेड तार नहीं छेड़ना आपको, येलो और ग्रीन तार को आपको चेंज कर देना है, जहाँ पर येलो है वहाँ पर ग्रीन और ग्रीन की जगह येलो, और आपके चक्कर हो जाएंगे सीधे मोटर के भी और पानी के भी। ये देखो भाई जकड़ के अंकल जी ने इसको लगा दिया है, और ये तो 40 मिनट तक का जो वीडियो है इसको आप बिल्कुल जम के शेयर कर देना, और ये जितने भी हमारे साथ मिस्त्री लगे हुए हैं इनके सभी के कॉन्टैक्ट आपको मैं दे सकता हूं, और आपको पूरे उत्तर भारत में ये सर्विस दे सकते हैं। कौन अंकल जी पूरे उत्तर भारत में सर्विस देंगे आपको ये। ना ये देखो भाई पानी आ चुका है, ये देखो प्रेशर का पानी आ चुका है भाई, ये देखो भाई यहाँ पर पानी आ चुका है, और ये भाई अपना जोड़ है ये जो भरना स्टार्ट हो गया है। तो हम इतनी देर से जो कार्यक्रम स्टार्ट था हमारा, तो वो तो ये नया नया अभी ट्यूबवेल है, तो एक बार पानी थोड़ा सा कम ज़्यादा ऐसे अप डाउन करेगा, तो अभी पहला इसका स्टेप था। ये देखो भाई पानी आ चुका है, और वीडियो को जल्दी जल्दी से शेयर कर दो। लाइट गई क्या भाई? ना भाई लाइट नहीं, पानी पानी आराम आराम से बनाने का काम स्टार्ट है, छटाई पे अभी इसका पहला स्टेप है भाई, ये जो ट्यूबवेल अभी जो नया नया है। तो ये पानी कंटिन्यू हो गया भाई, ये देखो भाई पानी आ गया भाई, ये देखो गार आने लग रही है पानी में, ये देखो भाई ये आ गया पानी भाई, फुल चलने लग रहा है, 3 इंची प्रेशर का पानी है। देखो भाई ये पानी आ गया भाई, देखो फुल चल रहा है पानी, ये देखो भाई ये आ गया पानी भाई, ये पानी की दार, ये देखो भाई पानी,
ये देखो भाई, ये कंटिन्यू चल पड़ा भाई टीवल हमारा। ये देखो भाई, ये देखो भाई कंटिन्यू हो गया पानी अब।